इस वीडियो में मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि नीट का पेपर लीक हुआ है एंड 719 स्कोर कैसे पॉसिबल, 718 स्कोर कैसे पॉसिबल है एंड किन सेंटर्स पे सबसे ज्यादा धांधलेबाजी हुई है, किन सेंटर्स पे सबसे ज्यादा स्कैम हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे स्कैम के बारे में पता चल जाएगा एंड नीट 2024 में जिस लेवल का स्कैम हुआ है दिस इज डेविस्टेटिंग। हजारों नीट एस्पिरेंट्स की उम्मीद टूटी है। 650 मार्क्स लाने के बाद भी सिलेक्शन कंफर्म नहीं है। इतनी ज्यादा कट ऑफ, इतनी इन्फ्लेटेड कट ऑफ, इन सबका रीजन क्या है? इन सबका रीजन है कि नीट 2024 में बहुत ज्यादा लेवल पे पेपर लीक हुआ है, बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं, सेंटर्स पे बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हुई है एंड ये सभी चीज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड आप लोगों को अपनी आवाज उठानी है विद हैशटैग नीट स्कैम, विद हैशटैग एनटीए करप्ट। एनटीए को इन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 10 दिन पहले नीट का रिजल्ट क्यों रिलीज किया गया, वो भी इलेक्शन वाले दिन? हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक नेशनल लेवल एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720? 718 मार्क्स कैसा है, 719 मार्क्स कैसा है, वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि एक सेंटर से दो लोगों की AIR 1 एंड 20 प्लस स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर कैसे पॉसिबल है, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए, कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन सभी की लिस्ट NTA को पब्लिश करनी पड़ेगी एंड इसके खिलाफ हमने RTI भी फाइल कर दिया है, हमने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दिया है एंड हम पुलिस कमिश्नर के पास भी गए थे ताकि हम प्रोटेस्ट कर सके पीसफुली। कल यानी कि 7 जून को मैं और मेरे साथ काफी ज्यादा यूट्यूबर्स मिलके प्रोटेस्ट करने वाले हैं जनपद पे एंड इन सभी सवालों का जवाब देना पड़ेगा NTA को। AIR 1.53 कैसे पॉसिबल है एंड सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स का विश्वास उठता जा रहा है एनटीए से। जो बंदा 620 स्कोर कर रहा है, 640 स्कोर कर रहा है, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी उसको एक सीट नहीं मिल रही है, वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? उसकी उम्मीद नहीं टूटेगी, उसका विश्वास नहीं टूटेगा, उसका विश्वास नहीं उठेगा एजुकेशन सिस्टम से, और क्या होगा। इस साल स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है एंड जो जो मांग है स्टूडेंट्स की वो सारी मांग हम पुट फॉरवर्ड करेंगे। इट्स हाई टाइम अभी हम सभी को मिलकर अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी। सारे यूट्यूबर्स आपके साथ है, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। #NTAscam, #NTAcorrupt, #Neet2024 is scam, इसको ट्रेंड कराना है एंड कल हम जा रहे हैं एनटीए ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने। हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, हम उनसे क्वेश्चंस रेज करेंगे एंड सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। जो भी आप चाहते हो नीट रिकंडक्ट, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ रिकंडक्टिंग नीट। जिन जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले उन सभी की हम लिस्ट निकालेंगे एंड सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी। जो जो सेंटर्स पे धांधलेबाजी हुई है, जो जो सेंटर्स पे चीटिंग हुई है, वहां पे रिकंडक्ट फॉर श्योर पॉसिबल कराना चाहिए, CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स को लेके हम लेके जाएंगे एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस लेवल तक वापस स्कैम हुआ था विद प्रूफ्स एंड डिटेल्स। अभी मैं आपको विद प्रूफ सारी चीजें दिखाने वाला हूँ कि किस लेवल पे इस बार पेपर लीक हुआ, किस लेवल पे चीटिंग हुई है एंड किस लेवल पे नीट 2024 में स्कैम्स हुए हैं। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले भी नीट में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, नीट के बारे में मुझे जानकारी, नीट के बारे में हम जानते हैं, बस नीट के थ्रू डॉक्टर बनता है इतना हम जानते हैं। लेकिन तो ये वीडियो आपने देखा एंड 4 मई को आकाश का एक मॉक टेस्ट लीक हो रहा था, वायरल हो रहा था, वो एग्जैक्टली सेम नीट 2024 का पेपर था एंड नीट पेपर लीक। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे लोग पहले से प्रिडिक्ट करके बैठे थे कि हमारे यहाँ से 40 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, कितना ही पढ़ लो इस बार तो हमारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। ये सारे रिसोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां पे आप चेक कर लेना। ये लड़की जज्जर के जिस स्कूल में थी उस स्कूल के 2 बच्चों की AIR 1 आई एंड उसमें से 20 स्टूडेंट्स की AIR टॉप 100 में आई है। स्कूल का नाम था संस्कारम पब्लिक स्कूल, वहां से 2 स्टूडेंट्स को AIR 1 मिली है एंड 4-5 स्टूडेंट्स की 700 प्लस मार्क्स आया। एक स्कूल के इतने बच्चों की ऐसे रैंक कैसे आ सकती है? एक स्कूल जो कि जज्जर जैसे डिस्ट्रिक्ट में है एंड वहां पे उनके चेयरमैन सर इनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद इन स्टूडेंट्स की रैंक आ जाती है AIR 1। 5-6 स्टूडेंट्स की सेम स्कूल से रैंक आ जाती है अंडर 100 एंड 700 प्लस तो पता नहीं कितने थे। 3 मई को आकाश का ये मॉक टेस्ट वायरल हो रहा था एंड अभी मैं ये जानना चाहता हूं एनटीए से कि दिवेश जोशी जिसके 720 मार्क्स है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसकी नीट ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो फिर इसकी ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग 1.54 कैसे है? 1.54 कैसे हो सकती है? एंड सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कि 718 मार्क्स नीट में कैसे आए,
719 मार्क्स नीट में कैसे आए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते कि इसका सेम रोल नंबर मतलब सेम सेंटर 23070101 86, ये वही सेंटर है जहां पे धांधलेबाजी हुई, ये वही सेंटर है जहां पे चीटिंग हुई। 198 और 186 इन दोनों के बीच में 12 स्टूडेंट्स का गैप था, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये दोनों डायगनली बैठे थे, ये दोनों स्टूडेंट्स डायगनली बैठे थे। अभी हम इनका स्कोर देख लेते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में 99.967, इसके भी फिजिक्स में 99.967, केमिस्ट्री में 99.861, इनके भी केमिस्ट्री में 99.861, यहां पे बायोलॉजी में 99.908, यहां पे भी बायोलॉजी में 99.908, मतलब एग्जैक्टली सेम स्कोर है, सेम सेंटर था, डायगनली बैठे थे। कैसा, चलो हो सकता है एनटीए ने कुछ किया हो, पॉसिबिलिटी है। तो अभी भी अगर हम कैलकुलेट करें तो इनकी टोटल जो परसेंटाइल बन रही है 99.9128। तो यश कटारिया जिसकी ऑल इंडिया रैंक 69 आई है आफ्टर स्कोरिंग 718 मार्क्स, जो कि एनटीए ना जाने कैसे हमने दे दिए ग्रेस मार्क्स, उनकी कृपा, पता नहीं इन पे कैसे पड़ी और बाकी लोगों पे क्यों नहीं पड़ी। इनकी रैंक होनी चाहिए थी अराउंड 2300 2400 अराउंड इनकी एग्जैक्ट रैंक होनी चाहिए थी, अगर उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, अगर वो चीटिंग नहीं करते तो क्या पता कितने नंबर आते, इतनी इनकी रैंक होनी चाहिए थी। बट ग्रेस मार्क्स की कृपा से 69 रैंक इनकी है एंड ग्रेस मार्क्स की कृपा से 68 रैंक इनकी है, दोनों का सेम स्कोर है। इनकी रैंक होनी चाहिए थी 23 24000, इनकी भी 23 24000 होनी चाहिए थी। क्यों ग्रेस मार्क्स मिला, इनको क्यों मिला, बाकियों को क्यों नहीं मिला, कितने लोगों को मिला, ये सारे सवालों के जवाब, नी 2024 स्कैम, इन सभी सवालों का जवाब हमें चाहिए। और इट्स हाई टाइम सभी को अपनी आवाज उठानी चाहिए एंड किसी भी नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट को तुम्हारी डिजर्विंग सीट नहीं मिलनी चाहिए, यू डिजर्व दिस सीट। 650 स्कोर, 640 स्कोर, 630 स्कोर लाने के बाद तुम्हें सीट नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि यश कटारिया, वंशिका और ना जाने और कितने ऐसे लोग थे इनके सेंटर पे जो खुलेआम चीटिंग कर रहे थे, जो कि मैंने आपको साफ दिखाया कि खुलेआम चीटिंग चल रही थी, ग्रेस मार्क्स फिर भी नहीं मिली। किनको ग्रेस मार्क्स मिली, क्या क्राइटेरिया था एनटीए जाने एंड, बट एक चीज है कि किसी भी नॉन डिजर्विंग को एक डिजर्विंग बंदे की सीट नहीं मिलनी चाहिए। अपने थॉट्स तुम कमेंट में लिख सकते हो, मैं मिलता हूं तुमसे किसी और वीडियो में एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि अभी हम रुकने वाले नहीं है, हम कल प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके रेगुलर अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे @dev_hudda, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एंड फॉर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जय हिंद, जय भारत।